हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चंदवानी भावना नेक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ऑलरेडी हम लोगों ने रीजनिंग में वेन डायग्राम स्टार्ट किया है, तो वेन डायग्राम का हमारा पहला लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने वेन डायग्राम की फॉर्मूला और वेन डायग्राम के बारे में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन। हमारा वेन डायग्राम का लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग आज 5 प्रकार के वेन डायग्राम करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग 4 प्रकार के बाकी वेन डायग्राम पूरे करेंगे। तो कुल मिला के हम लोगों को 9 वेन डायग्राम पूरे करने हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वेन डायग्राम। तो आ जाते हैं हमारे वेन डायग्राम के बारे में हमने क्या किया था। एज वी हैव डन इन द फर्स्ट लेक्चर, मीनिंग ऑफ वेन डायग्राम बेसिकली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ये बताता है अलग अलग वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप। यहाँ बात आती है कि वेन डायग्राम हो सकता है रिलेशनशिप बताए दो चीजों के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में, या हो सकता है रिलेशनशिप बताए 3 वेरिएबल्स के बीच में। तो आज हम शुरू करते हैं अलग अलग प्रकार के वेन डायग्राम। सबसे पहला वेन डायग्राम अगर हम देंगे, वेन डायग्राम की बात करेंगे, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोग लेते हैं आवर, मिनट एंड सेकंड। अब ये आप देख सकते हो इन तीनों के बीच में हमको रिलेशनशिप बताना है, आवर, मिनट एंड सेकंड। अब ये रिलेशनशिप कैसे होगा पहले थियोरेटिकली समझते हैं। अगर थियोरेटिकली बोलेंगे तो कैसे रिलेशनशिप होगा, अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड से बनता है मिनट और मिनट से बनता है आवर। तो पहले अगर हम बात करेंगे, सेकंड पार्ट है मिनट का और मिनट पार्ट है किसका, आवर का। तो अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे तो ये हो गया हमारा पहला वेन डायग्राम, ये दूसरा और ये तीसरा। ये बताता है कि ये छोटा पार्ट इस बड़े पार्ट का छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट इस बड़े से पार्ट का पार्ट है। तो ये जो हो गया ये हम मान लेते हैं आवर, ये जो सेकंड नंबर डायग्राम है ये मान लेते हैं मिनट, और ये जो छोटा है ये मान लेते हैं सेकंड। ये क्या हो रहा है, सेकंड से क्या बन रहा है मिनट्स, और मिनट से क्या बन रहा है आवर। तो ये तो हमारा पहला प्रकार का डायग्राम था जिसमें हमने देखा कि सेकंड से कैसे मिनट बनता है और मिनट से कैसे आवर बनता है। ये हो गया हमारा पहले प्रकार का डायग्राम, दैट इज व्हाट वी कैन से दिस शोज द रिलेशनशिप बिटवीन आवर, मिनट्स एंड सेकंड। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट करते हैं, मान लीजिए अगर हम दूसरा तरीका देखेंगे यानी दूसरे नंबर का वेन डायग्राम देखेंगे तो यहां पे आता है, मान लीजिए फ्रूट एप्पल एंड ग्रास, 3 चीजें बोली है, 3 चीजें हैं फ्रूट एप्पल और ग्रास। यहां पे अगर हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन फ्रूट एप्पल और ग्रास के बीच में, तो यहां पे एप्पल तो एक छोटा सा पार्ट है फ्रूट का, फ्रूट यानी फ्रूट में बहुत सारी चीजें आ सकती है, मैंगो आ सकता है, ग्रेप्स आ सकता है, बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर ग्रास की बात करेंगे तो ग्रास का ना एप्पल के साथ कोई रिलेशनशिप है, ना ही फ्रूट के साथ रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है एप्पल का फ्रूट के साथ, लेकिन ग्रास का फ्रूट के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं। तो इसका वेन डायग्राम कैसे निकलेगा, मान लीजिए ये एक डायग्राम निकालते हैं, ये दूसरा डायग्राम निकालते हैं और ये तीसरा डायग्राम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हम लोग क्या मानेंगे इसको, ये हो जाएगा एप्पल, ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है इस पूरे बड़े ग्राफ का, दैट इज बड़े वेन डायग्राम का, व्हाट फ्रूट, ये हो जाएगा फ्रूट, और ये इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये बन जाएगा ग्रास। तो आप देख सकते हो हम लोग इस पूरे वेन डायग्राम में रिलेशनशिप देखेंगे कि किस तरीके से रिलेशनशिप बनाया जा रहा है। पहले केस में हमने देखा सेकंड से मिनट बनता है, मिनट से आवर बनता है, यहाँ पे एप्पल पार्ट है फ्रूट का लेकिन ग्रास का इन दोनों के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है।
तो ये दो प्रकार के अलग अलग वेन डायग्राम हमने देखे, जिसमें पहले हमने देखा कि तीनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, और दूसरे में देखा दो अलग अलग वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप है लेकिन तीसरे के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो तीसरा करते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट है हमारा, थर्ड हमारा है बॉय स्टूडेंट एंड प्लेयर। तो तीन चीजें हम लोग देख सकते हैं, बॉय स्टूडेंट एंड प्लेयर। अभी यहां पे अगर बात करेंगे बॉय स्टूडेंट और प्लेयर की, तो यहां पे हमको रिलेशनशिप देखना है। अभी रिलेशनशिप हम कैसे देखेंगे, देखिए अभी हो सकता है बॉय स्टूडेंट हो सकता है स्टूडेंट प्लेयर हो सकता है प्लेयर स्टूडेंट और स्टूडेंट बॉय हो। जरूरी नहीं है ये कि बॉय स्टूडेंट और स्टूडेंट प्लेयर हो, लेकिन यहां पे हमको तीनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाना है। यहां पे ऐसे दिखाना है कि बॉय हो सकता है स्टूडेंट हो और स्टूडेंट हो सकता है कौन हो, प्लेयर हो। तो डेट इज व्हाट, यहां पे हमको यही रिलेशनशिप दिखाना है कि बॉय स्टूडेंट और प्लेयर के बीच में कैसे रिलेशनशिप हम दिखाएंगे। तो अगर हम देखेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि प्लेयर स्टूडेंट हो भी सकता है और स्टूडेंट नहीं भी हो सकता है। तो सब प्लेयर स्टूडेंट नहीं हो सकते और सब स्टूडेंट बॉयज नहीं हो सकते, लेकिन हमको कुछ ऐसे रिलेशनशिप दिखाना है जिसमें बॉय स्टूडेंट भी हो और स्टूडेंट प्लेयर भी हो। तो देख सकते हैं, अगर यहां पे हम देखेंगे, मान लीजिए अगर ये बॉय है और यहां पे हम मान लेते हैं ये प्लेयर है, और यहां पे हम मान लेते हैं कि ये स्टूडेंट है, तो ये हो जाएगा बॉय, ये हो जाएगा प्लेयर और ये हो जाएगा स्टूडेंट। तो रिलेशनशिप बिटवीन बॉयज मे बी प्लेयर मे बी स्टूडेंट, स्टूडेंट मे बी बॉय मे बी प्लेयर, प्लेयर मे बी बॉय एंड मे बी स्टूडेंट। तो डेट इज व्हाट, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप इस प्रकार दिखाना है कि कुछ बॉयज प्लेयर हो सकते हैं और कुछ प्लेयर स्टूडेंट हो सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट बॉयज हो सकते हैं। डेट इज व्हाट, इस तरीके से हमको रिलेशनशिप दिखाना है बॉयज प्लेयर्स और स्टूडेंट के बीच में। तो ये तीसरे प्रकार का हमारा वेन डायग्राम है। हमने देखा पहला आवर मिनट सेकंड, फिर फ्रूट एप्पल ग्रास, तीसरा देखा बॉय स्टूडेंट एंड प्लेयर। देन तीन प्रकार के वेन डायग्राम कर लिए, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं चौथा वेन डायग्राम। आप देख सकते हो यहाँ पे तीन अलग अलग नाम दिए हैं, गेम क्रिकेट और कबड्डी। गेम क्रिकेट और कबड्डी की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्रिकेट और कबड्डी, क्रिकेट और कबड्डी जो है ये दोनों गेम्स के पार्ट है, यानी सीधी सी बात है क्रिकेट भी गेम का पार्ट है और कबड्डी भी गेम का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं ये बहुत बड़ा एक वेन डायग्राम बनाऊंगा, उसके अंदर अगर मैं दो वेन डायग्राम बनाता हूँ, तो ये जो बड़ा वेन डायग्राम है इसको हम मानेंगे गेम, ये हो जाएगा गेम और ये हो जाएगा क्रिकेट, ये हो जाएगा कबड्डी। तो सीधी सी बात है क्रिकेट और कबड्डी ये दोनों किसके पार्ट्स हैं, गेम के। तो चौथा नंबर हमने जो मेथड किया वो है रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल विद द थर्ड वेरिएबल। नाउ व्हाट वी हैव डन इन दैट दीज आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स, दैट इज क्रिकेट एंड कबड्डी। नाउ वी कैन सी दिस इन दिस डायग्राम that this is a whole Venn diagram, this is a whole circle shows the game, whereas cricket and kabaddi are a part of the game. तो यहाँ पे clear cut दिख रहा है कि cricket और kabaddi ये दोनों part है game के। तो ये तो हमारा हो गया fourth number part, type number 5 करते हैं हम लोग, type number 5, let us see. टाइप नंबर 5 की बात करेंगे तो यहां पे है मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर, मेटल गोल्ड एंड सिल्वर। अभी देखिए बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि गोल्ड और सिल्वर मेटल ही तो है, बिल्कुल नहीं। गोल्ड और सिल्वर ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों एलिमेंट्स हैं, ये दोनों मेटल नहीं है। एलिमेंट्स का मतलब अगर हिंदी में देखेंगे तो धातु,
ये दोनों धातु हैं, ये दोनों एलिमेंट्स हैं लेकिन मेटल नहीं। लेकिन हो सकता है गोल्ड में कुछ पार्ट मेटल हो या सिल्वर में कुछ पार्ट मेटल हो। तो याद रखिए, गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड एक अलग से एलिमेंट है, सिल्वर एक अलग एलिमेंट है। गोल्ड और सिल्वर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। और हो सकता है मेटल थोड़ा सा गोल्ड में हो सकता है मेटल थोड़ा सा सिल्वर में हो। देख लेते हैं डायग्राम। अगर मैं ये बात करूं, मान लीजिए ये पूरा है मेटल, ये पूरा मेटल है। हो सकता है थोड़ा मेटल गोल्ड में हो सकता है थोड़ा मेटल सिल्वर में हो। डेट इज व्हाट, अगर ये पूरा का पूरा डायग्राम देखेंगे तो ये मेटल है। हो सकता है इतना सा पार्ट ये मेटल गोल्ड में है और इतना सा छोटा सा पार्ट ये सिल्वर में है। ये पार्ट सिल्वर अलग है, ये पार्ट गोल्ड अलग है। डेट इज व्हाट, ये भी एक तरीका है वेन डायग्राम का जो बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन मेटल गोल्ड और सिल्वर में। डेट इज व्हाट मेटल गोल्ड एंड सिल्वर। तो यहां पे हमने पांच प्रकार के वेन डायग्राम कर लिए हैं। पांच प्रकार के वेन डायग्राम हमने ऑलरेडी कर लिए, बाकी बचे हैं फोर जो हम लोग अगले लेक्चर में करने वाले हैं। इससे हमारा वेन डायग्राम का ओवरऑल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं वापस से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।